नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे और उन्होंने उनसे मुलाकात की है। दुष्यंत चौटाला आज बड़े ही दिनों के बाद बिहार पहुंचे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ करीबन आधे घंटे की उनकी ये मुलाकात चली है। उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं बाहर आकर ज़रा सुनिए। हमारे परिवार के सदस्य हैं और जो जिम्मेवारी मेरे को मिली उसके बाद पहली बार पटना आगमन हुआ है और मैं तो यही विश्वास रखता हूं कि जैसे पहले भी मिलकर आगे बढ़े हैं, जहां भी बिहार का और हरियाणा का किसी विषय पे आपसी मेलजोल रहेगा, मिलकर काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कई ऐसे कदम आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे जिसके अंदर बिहार की अपने आप में भूमिका अहम रहेगी। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हो रही है उसके संदर्भ में क्या कहें? महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी जाने, हम तो हरियाणा की बता सकते हैं। बढ़िया मजबूत सरकार चलाएंगे, हरियाणा को आगे लेकर। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप भी बतौर डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं और अजीत पवार जिस तरह से और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री का पद, महाराष्ट्र कार्य सारे जो दो दिन की घटनाक्रम है, मैं तो इतना बोलूँगा कि जो कुछ भी हो महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए हो, महाराष्ट्र की आवाम को उसकी आवाज़ मिले, प्रगति हो, उसके ऊपर सबको काम। लेकिन विरोधी दल के लोग कर रहे हैं, खासतौर पर शिवसेना और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। जिस प्रकार का प्रकरण रहा है उसके ऊपर ज़्यादा बेटर टिप्पणी मेरे ख्याल से वहाँ की रीजनल पार्टी दे पाएगी, ना कि हम लोग दे पाएंगे। आप भी तो राजनेता हैं, आप भी तो मैं उसी पर बोल रहा हूँ। हरियाणा की राजनीति के बारे में तो मैं चर्चा कर सकता हूँ, लोकतंत्र की गला घोटा गया है क्या? लोकतंत्र के संदर्भ में लोकतंत्र की घटना तो इसी तरीके से हरियाणा में भी 83 में घुटाई गई थी, उसके ऊपर कांग्रेस जवाब दे, उस समय क्या हुआ। आपने दुष्यंत चौटाला को सुन लिया, किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस भी आज तक बहुत सारे कारनामे करते आई है, उस पर उन्होंने कभी जवाब तलब नहीं किया है। विरोधियों पर कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का ये प्रहार था और साफ साफ कह रहा है कि जिस तरीके से मुंबई में हो रहा है, उम्मीद है एक अच्छी सरकार आगे चल कर बनेगी। अगर बात रहे हरियाणा की तो हरियाणा में भी सरकार जो है अच्छे से चलेगी। जेजेपी का गठबंधन हुआ था बीजेपी से, हम बात करें विरोधियों पर, लगातार जो है सत्ता पक्ष के लोग वो हमलावर हो रहे हैं। बिहार पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला और तस्वीरें आपने देख ली है, क्या कुछ कहा है उन्होंने ये भी आपने सुन लिया है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।